अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। सरकार ने उड़द और अरहर दाल दोनों का जो इम्पोर्ट है उसको फ्री कैटेगरी में डाल दिया, यानी कि जब अब आयात होगा तो उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी, किसी तरह की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा कि आयात करने में कुछ परेशानी हो रही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, सरकार का पहले स्टॉक लिमिट लगा देना, दलहन बाज़ार सेबी द्वारा चने को NCDX पर बैन कर देना, फिर मूँग का आयात करना, विभिन्न देशों से आयात की बातचीत जारी रखना, और अब अरहर और उड़द को फ्री कैटेगरी में डाल देना इसके आयात को, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में भी दालों के बाजार पर ऐसी मंदी वाला माहौल छाया रहेगा? देखिए गिरीश, हमने जब भी डिस्कस किया मैंने बिल्कुल यही बोला है कि दालों में जो है वो गिरावट बनी रह सकती है, क्योंकि दाल, चीनी, ये ऐसी चीजें हैं जिन पर सरकार और तेल इनकी कीमतों को कंट्रोल करने की हमेशा कोशिश की जाती है कि ताकि आम आदमी को मुसीबत का सामना ना करना पड़े। और अभी जो सरकार ने फैसला लिया है उड़द और तुअर दाल को लेकर कि इसका इंपोर्ट जो है फ्री कैटेगरी में रखा गया है ताकि यहाँ पर दालों की कमी ना हो, इस वजह से इंपोर्ट को फ्री कर दिया गया है। और इससे पहले भी हमने देखा था कि तुअर और उड़द दाल के इंपोर्ट जो इंपोर्ट को एक साल के लिए पहले बढ़ा दिया गया था और अब इसको बिल्कुल ही फ्री कैटेगरी में कर दिया गया है, और ताकि कीमतों को आगे ज्यादा बढ़ना, क्योंकि जो प्रोडक्शन हमने देखा है वो अप्रोक्सीमेटली 3.25 करोड़ टन के आसपास दालों का एक्सपेक्टेड है 2021-22 से देखने को मिल सकता है। तो सरकार ने बिल्कुल ये फैसला इसलिए लिया है कि दालों की कीमतों को कंट्रोल में रखा जा सके, और भारत क्योंकि भारत जो है जो भारत के अंदर डिमांड निकलती है उसका 10% बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए ऐसा फैसला लिया गया है। और आगे चलकर एक्सपेक्टेड है कि दालों का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ सकता है, और इसके ऊपर सरकार काफी जो है मिशन के साथ कारोबार कर रही है। एक NFSM लागू किया गया है जिसके चलते दालों के ऊपर एक पॉलिसी सरकार लाएगी, और पॉलिसी में उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, उसको कैसे स्टॉक किया जाए, इस तरीके के काफी जो है अवेयरनेस किया जाएगा जिससे कि दालों की जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से उसको कम किया जा सके और अपने यहाँ पर ही दाल, तेल, इन सबका जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा किया जा सके। तो ये विजन को लेकर इस तरीके का अभी जो है वो देखने को मिल रहा है सिस्टम, और इसकी वजह से हमने अभी पीछे देखा कि तुअर दाल का जो प्राइस था वो MSP के ऊपर चल रहा था, इस वजह से भी ताकि कीमतें और ज्यादा ना बढ़ जाए तो सरकार ने ये स्टेप उठाया, और अब इसका असर सीधा सीधा बाजार पर ये देखने को मिलेगा कि बाजारों में दालों की कीमतों पर उठाव आता हुआ नजर नहीं आएगा, और लगातार अब बाजार जो है वो प्रेशर में देखने को मिलेंगे। आपको दालों की कीमतों में अब जो लगातार हमने पिछले साल तेजी देखी वो अब कंट्रोल में आती हुई दिखाई देगी, और अब दालों में यहाँ से कोई भी तेजी का रुझान बनता दिखाई नहीं दे रहा है। जी,